सिबलिंग है। अच्छा। आज इसमें छोटा सा सिबलिंग है, देखो ये फूल उठाता हूँ। मतलब ये कि पाताल भुवनेश्वर दर्शन करने यार, ये निकल तो हमारा रह गया सर। पता इतना सा सिबलिंग। हाँ, और ये ऊपर शनि है, नीचे काल भैरव है, और यहाँ सूर्य भगवान है। और ये कौन सी लिपि है? लिपि ये लिपि देवनाग जी, देवनाग जी। बस बस इसका क्लोजअप आ जाएगा, है ना? अच्छा, ये देवनागरी लिपि है। ये शनि है, ये सूर्य। ये कौन से है पढ़ जी? सूर्य हो गया। अच्छा, ये सूर्य भगवान क्या हो देखिए, ये है मूर्ति आपकी, पूरी कलेक्शन। ये द्वारपाल है, ये सारी मूर्तियां यहाँ पर थी, ठीक है? और एक द्वारपाल वहाँ है, ठीक है? ये यहाँ के रक्षक थे, और वो स्तंभ जो मैंने अखंड आपको बताया था अंदर, आगे से आ जाते हैं ना, आगे से देखते हैं। ये तो म्यूजियम बन गया अभी ना, लेकिन मंदिर से क्या कैसा, बच्चे लोग मूर्तियों को गिरा दे रहे थे, तो खंडित हो जा रही है। दूसरा, मुगलों ने भी कुछ मूर्तियों को खंडित किया है, मुगलों के जमाने। और कुछ बाबा लोग आते ना, तो छोटी छोटी मूर्तियां अपने बैग में लेके चले जाते। यहाँ पर 400 मूर्तियां थी, 400 मूर्तियों में से अब इतनी बची है, जो बची है उनको संरक्षण में रखा गया है, और उसमें भी कुछ खंडित है। देखो, वो मुगलों ने खंडित किया है मूर्तियों को। और ये स्तंभ देखिए, ये अखंड है, इससे बड़े अंदर बताया था मैंने आपको। द्वारपाल जी मतलब भैरव जी, द्वारपाल जी का मतलब भैरव जी होता है क्या? द्वारपाल उनको भैरव जी बोलते हैं। आप लोग जूते पहन लीजिए, कहाँ रखते हैं?